सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड काफ़ी वक्त बाद WWE 2K23 एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर से मैच स्टार्ट किया है वापस से। ब्रॉक लेसनर का केविन ओवेंस के साथ मैच है, यहाँ आते ही साथ सुप्लेक्स। यहाँ से चैंपियनशिप के लिए मैच जाएगा एंड देखते हैं यहाँ पे जो भी जीतेगा वो चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगा। और यहाँ पे वन साइडेड ब्रॉक डोमिनेट कर रहा है केविन ओवेंस को। और अगेन सुप्लेक्स। यहाँ पे देखना होगा ब्रॉक एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर। वो स्पीयर, नकली वाली स्पीयर, केविन ओवेंस काफ़ी दिक्कत के अंदर है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं करा तो दिक्कत है, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा उनको कि ओहो। केविन ओवेंस लग रहा है कि ये मैच मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। 2 मिनट भी ये मैच टिकने की आशंका नहीं लग रही है। रिवर्सल कर दिया यहाँ पे केविन ओवेंस ने। DDT। अरे नहीं, रिकवरी यहाँ से नहीं करूँगा मैं। मैच अंदर नहीं लूंगा, इसलिए उन लोगों को बाहर आना है। ओहो बच गए। यहाँ पे अंदर आए, केविन ने पहले पकड़ लिया, रिवर्सल हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ वापस सुप्लेक्स पर। कंधे तोड़ दिए उनके। ब्लॉक का डोमिनेशन वन साइडेड रहा इस मैच के अंदर एंड लग रहा है कि इजीली मैच चल जीत जाएंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। केविन ओवेंस की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगेन सस्ती स्पीयर, लग नहीं रहा मुझको कि मतलब एज इन केविन ओवेंस जीत पाएंगे या 2 मिनट ज़्यादा सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी पूरी रेड हो चुकी है अभी इनकी। अगेन बाहर हो गए। खड़े हो जाओ। ओवेंस इज इन डेंजर मैन, ओवेंस इज इन डेंजर। बैरिकेड। अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर मूव मानने का टाइम आ चुका है। 3 जर्मन सुप्लेक्स इन अ वो। आ जाओ। अरे यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, यहाँ पे रिवर्सल केविन ओवेंस की तरफ से। नहीं। डीडीटी। गलत काम हो गया। ओवेंस को चांस मिल गया है। बच गए। नकली स्पीयर मारी है यहाँ पर। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से मैच किस मुकाम पे जाता है, क्योंकि केविन ओवेंस मुश्किल से लग नहीं रहा कि बर्दाश्त कर पाएंगे। यहाँ पे चोक स्लैम देना चाहते थे, बट यहाँ पे ऐसी फिस्ट मारी है केविन ओवेंस बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और यहाँ पे उठा के फेंक दिया है। केविन ओवेंस तो सोच रहा होंगे किस पागल से मैच है, बट यहाँ दिक्कत आ गई। यहाँ से दिक्कत आ गई। केविन ओवेंस का सिग्नेचर पूरा फुल हो गया है, फुल का मेरा सिग्नेचर भी हो चुका है। आ जाओ। यहाँ पे 3 जर्मन सुप्लेक्स। आ जाओ एंड देन 1 final 3। चलो आप अपन ख़त्म करें जल्दी से मैच, ताकि यहाँ पे F5। आ जाओ। अरे नहीं, गलत काम हो गया। क्या दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे ये अपना स्पेशल मूव मारेगा। बच गए। यार उस टाइम ना पिन करा देना चाहिए था। ये मैंने सोचा था कि ये क्या कर रहा है, ये
क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है इतनी जल्दी कैसे? मजाक चल रहा है क्या? यहाँ पे सुप्लेक्स, चलो यहाँ पे पिन करा उसको। आओ बाहर लड़ेंगे अपन, आ जाओ आ जा केविन, आ जा आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। चलो आ जाओ बैरिकेड, काफी ज्यादा दिक्कत देगा यार, नहीं नहीं बच रहा, नहीं नहीं नहीं। जहाँ पे सबमिशन करवाने की पूरी कोशिश करी जा रही है, पूरी कोशिश, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बाहर सबमिशन करवाने का क्या ही मकसद निकलता है। ब्रॉक ने बता दिया कि हु द फक इज द लेजेंड, और यहाँ पे ओहो पोल में मार दिया, पोल में मार दिया। लेकिन एक चीज़ का मुझे डर जो है वो ये है कि इसकी पूरी पावर जो है अभी भी सिग्नेचर वाली वो अभी भी जिंदा है, और अगर इसने धोखे में भी अगर मुझको ग्रैपल कर लिया तो यहाँ पे गेम ख़त्म। अब डर लग रहा है क्योंकि मेरी पावर तो फुल हो ही नहीं रही है। इसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना, इसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। केविन ओवेंस, ओहो काफ़ी ख़तरनाक मामला, स्पिनर मार दिया, भगवान बच गए। गलत काम हो गया था, तो रेजिलेंसी थी, बच गए। अब इसकी भाई इसका एक ट्रांसफॉर्म अच्छा ही, अब फिर मारेगा क्या? अरे बाप रे, दिक्कत आ गई यहाँ पे। भाई साहब दिक्कत में आ गए, का ही लग रहा था कि ये मैच 2 मिनट तक नहीं टिकेगा, और ये इसने वापस से, अरे नहीं, इसने वापस स्टनर मार दिया, स्टनर। अब तो रेजिलेंसी भी नहीं है, बच गए। इसके पास अभी एक पावर हो रही है, ये चल, बस AK5 मानना इसको, AK5। चलो सबसे पहले तो ये बाहर अपनी पावर हो रहा है वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो कूदेंगे यहाँ पे, भर गई भाई पावर, भरी गई। काफ़ी अच्छे, ये अभी स्टंट बड़ा हुआ तो यहाँ पे कहाँ यार, ये 2 मिनट मैच ख़त्म होने वाला था 2 मिनट के अंदर। नहीं, चलो भर गई पावर, अंदर चलो, ख़त्म मैच। चलो आ जाओ, अब इसको ऐसा ही मारते हैं और यहाँ गेम ख़त्म। आ जाओ बे, ओ नहीं पड़ी, स्टनर मार दिया भाई, बच जा। वन हो, चैंपियनशिप का शॉट चला गया यार, चैंपियनशिप का शॉट चला गया। हम दोनों के पास पावर थी लेकिन दिक्कत आ गई। ऐसा कमबैक नहीं सोचा था गाइस। एनीवेज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, अब इससे राय बनी लेंगे एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।